नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपनी यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। हम बात करने वाले हैं यहां पर पॉलिटी यानी संविधान की। तो संविधान में जो है हम बात जो कर रहे हैं वो ट्रिकी माध्यम से कर रहे हैं। तो यहां भी जो क्या माध्यम मेरा ट्रिकी, एक पॉइंट से 71 संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, दूसरा पॉइंट है 92 संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, और तीसरा जो बिंदु है हमारा भारत में नागरिकता की प्राप्ति यानी भारत की नागरिकता हम कैसे पा सकते हैं वो हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरे साथ बने रहिए, तभी तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं कौन थी, तो जो 71वां संविधान संशोधन है ये कब हुआ था, तो ये जो है 1900 जो है ये 2004 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1992 में, ध्यान दीजिए। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये जो है 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 ईस्वी में जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जिनमें जो है कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो नमक जोड़ी गई, नमक को जोड़ा गया। तो नमक कौन सा था, तो नमक जो है वो था नेपाली, कौन सा था नेपाली, नेपाली नमक था और मणिपुरी नमक था। ठीक है, और जो है कोंकणी नमक था, कौन सा नमक, कोंकणी नमक। तो यहां पर जो भाषाएं जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1992 में हुआ था, उनमें जो है नमक जोड़ा गया था। वो नमक कौन सा था, तो ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से जो है कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी। उसके पहले जो है कितनी भाषाएं थी, ठीक है, तो उसके पहले जो है 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं। तीन तीन भाषाओं को जोड़ दिया तो कितनी भाषाएं हो गई, 17 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं हो गई, 17 भाषाएं हो गई। ठीक है, और जो है 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी पहले तो जो है आपकी 14 भाषाएं थी। ठीक है, 1967 ईस्वी में जो है एक संविधान संशोधन हुआ जो कि 21वां संविधान संशोधन था, उसमें जो है सिंधी को जोड़ा गया, तो 14 से 15 हुआ। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ जिनमें तीन भाषाओं को जोड़ा गया, तो जो है 18 भाषाएं हो गई। और उसके बाद जो है हमारा जो दूसरा बिंदु है, ठीक है, जो दूसरा बिंदु है वो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई भाषाएं कौन सी थी, तो बड़ा सम, जो बड़ा सम है वो 4 भाषाओं को लेकर बैठा है। तो ये जो है 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ था, तो 18-4 जो है 22 भाषाएं हो गई। तो हमारे यहाँ जो है संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का जिक्र है। ठीक है, तो वो कौन सी भाषाएं हैं 92वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि कब जोड़ा गया था, ये 2004 ईस्वी में, कब, 2004 ईस्वी में। तो बड़ा सम कौन सा सम है, तो आइए देखते हैं, बड़ा पाव ओड़ा पाव। तो यहां बा से जो है क्या हो जाएगा, बोडो, कौन सी, बोडो, बोडो। डा से जो है डोंगरी, कौन सा, डोंगरी, सा से संथाली, ठीक है, मा से जो है क्या हो जाएगा, मैथिली, ठीक। तो यहां 92वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 2004 में हुआ था, उनमें जो है बड़ा सम जोड़ा गया था, बा से बोडो, डा से डुंगरी, ठीक है, सा से संथाली, मा से मैथिली, ठीक। और जो 71वां संविधान संशोधन नमक था ही,
ठीक है। तो आइए आगे देखें, हमारा तीसरा बिंदु है भारत में नागरिकता की प्राप्ति। हम भारत में कैसे रह सकते हैं, तो इसके जरिए आप रह सकते हैं। कौन सा जरिया है, तो यही जरिया है, ठीक क्या है, जप भूदेव, जप भूदेव, जप भूदेव, जप भूदेव याद हो जाएगा। तो जान लीजिए हम इनके माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो कौन से हमारे शब्द बनेंगे, आइए जानते हैं। तो ज से हमारा होगा जन्म से, क्या होगा, जन्म से, जन्म द्वारा, यानी हम भारत में जन्म लेंगे तो हमको नागरिकता नहीं मिलेगी क्या, मिलेगी, क्योंकि तुमने तो भारत में जन्म लिया है ना, लेकिन मम्मी पापा भारत वाले राज्य आए, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है, पा, ठीक है, पा, तो पा से क्या हो जाएगा हमारा, पंजीकरण द्वारा, किससे, पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, ठीक है, यानी हम जो है अपना आधार कार्ड बनवा लें, ठीक है, यहाँ का डॉक्यूमेंट्स बनवा लें भारत का, तो हम भारत में रह सकते हैं। पंजीकरण करवा के हम भारत के नागरिक बनना चाहते हैं और हमको बना दो, ठीक है, तब भी हम क्या हो जाएंगे, भारत के नागरिक। नेक्स्ट है हमारा भू, तो भू जो होता है वो भूमि विस्तार द्वारा, क्या होता है, भूमि विस्तार द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा क्या है, आज हमारे लगे इतनी बड़ी जमीन है वहीं रहते रहे, लेकिन क्या हुआ, एक समय आया हमको और बड़ी जमीन मिल गई, यानी दूसरे गांवों वाली या दूसरे देशों वाली जमीन मिल गई, तो उनमें का जो लोग रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो तो भारत में आ गए ना, तब भी उनको कौन कहा जाएगा, भारत का नागरिक कहा जाएगा, ठीक है, तो भारत में शामिल कर लिया जाए भूमि का, तो भारत का नागरिक कहलाएगा, ठीक है। आगे देखिए दे, तो दे से होता है देशीकरण द्वारा, क्या होता है, देशीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, जप भूदेव, तो देशीकरण क्या है, ठीक है, देशीकरण द्वारा, तो कोई व्यक्ति आए या फिर, ठीक है, किन्हीं को बुला 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 के उनका देसी बना डालो, देसी का मतलब देश में रहने के लिए जान लो कि कैसे भी कर डालो, वो हमारे देश में रहने लगे, तो वो क्या हो जाएगा, देसीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है वा, तो वा से जो है वंशानुगति होगा, क्या होगा, वंश परंपरा द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, तो वंश परंपरा द्वारा मतलब हमारे आजा बाबू दादा दादी ये सब जो ना भारत ग्रंथ का, हम पाकिस्तान को ही जावे, हम तो भारत के रहवे, ठीक है, तो ये वंश द्वारा जो है आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। कह दो मेरा वंश जो है, प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना, मेरा वंश जो है वो भारत का था, तो मैं भी तो भारत का कहलाऊंगा ना, हाँ भारत के कहलाओगे, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आप भारत के हो, दिखाओ मेरे को ये भारत में निवास कर रहे थे, ठीक है। तो जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 के अनुसार, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955 के अनुसार, ठीक है, अधिनियम जो बना वो 1955 में बना था, तो इसके अनुसार जो है इन पांच बिंदुओं से आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास होना चाहिए। और जो नागरिकता का उल्लेख है, हमको पता होना चाहिए कि वो संविधान के भाग दो में नागरिकता का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेख है, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक जिक्र है। संविधान, नागरिकता संविधान संशोधन द्वारा 1955 में किया गया था, जिसके द्वारा ये बताया गया था कि जन्म द्वारा, पंजीकरण द्वारा, भूमि विस्तार द्वारा, देशीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा हम भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये हमारा था 3 बिंदु।
ठीक है। तो आशा करते हैं आप कंफर्म है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ जन्म द्वारा यानी आपका जन्म जो है भारत में होता है और आपके मम्मी या पापा में से कोई भारत का नागरिक है, ठीक है, तो आराम से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरा बिंदु है पंजीकरण द्वारा, तो हम जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें कि मैं तो भारत का नागरिक बनना चाहता हूँ, तब भी क्या होगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। नेक्स्ट है भूमि विस्तार द्वारा, तो आज का भूमि कम थी, कल भूमि ज्यादा कर दी जाए, किसी दूसरे को दोस्त दोस्त बना लिया जाए, तो वो भी क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। जैसे जो है बांग्लादेश और जो है मेघालय के कुछ हिस्से को जो है इधर उधर किया गया, तो क्या हो गया, वहां पे भारत की नागरिकता मिल गई। नेक्स्ट है भूमि विस्तार हो गया, उसके बाद देशीकरण द्वारा, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बुलाओ रहने लगे तो क्या कहलाएंगे, भारत के नागरिक 5-10 साल में, ठीक है। और है वंश परंपरा द्वारा, हमने दादा आजा पुरखक जमाने के जो कौन रहा हूँ भारत का नागरिक, हम प्रूफ दिखाई दे के जो ना भारत का नागरिक रहने, तो हम नहीं कौलाद ही ना, तो हम भारत का नागरिक बनब, हाँ बन जाओगे, प्रूफ दिखा दो, इन सब विधियों द्वारा आप भारत के नागरिक बन सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हम जो हमने आपको बताया, हम जानते हैं कि आप समझ गए होंगे, सही में समझ गए हैं, हाँ तो आप समझ गए होंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलो यार, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो कुछ आपका फर्ज बनता ही है ना, फर्ज सही कुछ तो कर ही सकते हो यार, इतना तो करना बनता ही है। मेरे वीडियो पर यार आओ और तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करो, ऐसा संभव है क्या, बिल्कुल नहीं संभव है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जोश और तड़के के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत देंगे, यस देंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद।